आपका जो सिंक बालों से भर जाता है ना, वो बिल्कुल नहीं मिलेगा. बहुत 50% आपकी हेयर फॉल कम हो जाएगी. आई कैन गारंटी दिस. सो कीप वॉचिंग गाइस. Hey guys, welcome back to my channel. As you have read by the title, today's video is going to be a dedicated video on how to reduce hair fall. मेरा पूरा इंस्टाग्राम भर चुका है इस मैसेज से कि मैम प्लीज हमें बताइए कि हेयर फॉल कैसे रिड्यूस करें. एंड गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मेरी जो भी रेमेडीज हैं, जितने भी मैंने आज तक आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं, वो सब आपको इतना हेल्प कर रहे हैं. मेरे पास इतने सारे मैसेजेस हैं कि मैं स्टोरी शेयर कर करके आई एम लाइक मैं थक चुकी हूँ. इतने मैसेजेस मेरे पास है. सो आई एम सो 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 ग्लैड गाइस दैट यू आर गेटिंग रिजल्ट्स. और आज का भी वीडियो कुछ ऐसा ही होने वाला है. आपको रिजल्ट मिलेगा, 100% मिलेगा. मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता सकती हूँ दैट इट वर्क्स एंड इट वर्क्स रियली रियली गुड. Before starting the video, if you are new to my channel, please do subscribe. And guys, I can assure you this, after this video, you are going to be one happy subscriber. So I'm that sure about this video. So please do subscribe. As I've discussed this before, मुझे खुद को बहुत सीवियर हेयर फॉल हुआ था. एंड मुझे हुआ था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब एनीमिया, मेरा जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था. और उसको सही करने के लिए पहले मैं डॉक्टर के पास गई. लेकिन मीनवाइल जब वो चल रहा था तो हो जाता ना एक डिप्रेशन जैसा आ जाता है. आई अंडरस्टैंड जब वो एक एक बाल टूटता है जड़ से तो कितना बुरा लगता है. टोटली अंडरस्टैंड दैट. तो उसकी वजह से मैंने अपनी स्कैल्प का ध्यान रखना कम कर दिया था और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी अपने बालों को लेकर. आई नो अ लॉट ऑफ यू कैन रिलेट टू दिस. तो डॉक्टर के जाने के बाद जब मुझे लगा कि अब मेरे अंदर यू नो डेफिशिएंसीज मेरी सही हो चुकी है, उसके बाद मैंने अपनी स्कैल्प पे काम करना चालू किया. एंड आई केम अक्रॉस दिस थिंग. और मुझे थोड़ा टाइम लगा समझने के लिए, पर मुझे टाइम लगा, आपको नहीं लगेगा. आज ये वीडियो आप अगर देख रहे हैं तो नेक्स्ट आई कैन अश्योर यू दिस, अगर आप इसको यूज करने के बाद में पहले ही वॉश में इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा. आपका जो सिंक बालों से भर जाता है ना, वो बिल्कुल नहीं मिलेगा. बहुत 50% आपकी हेयर फॉल कम हो जाएगी. आई कैन गारंटी दिस. सो कीप वॉचिंग गाइस. नो मोर सस्पेंस. मैं आपको बता देती हूँ कि एग्जैक्टली वो चीज क्या है जिससे मुझे इतना फर्क मिला है. इनफैक्ट मेरी बहन को अभी भी हेयर फॉल होता है तो वो ये यूज कर रही है एंड रिजल्ट्स आर लाइक ऑसम. सो ये है वो चीज. ये एक ऑयल है बेसिकली. इसके इंग्रीडियंट्स के बारे में हम बात करेंगे, पर मैं आपको कुछ दिखा देती हूँ. आज ही कल मैंने इसे प्रिपेयर किया था और आज मैंने इससे अपने बाल धोए हैं, मतलब इसको लगाने के बाद में, और काफी स्मूथ मेरे बाल इस वक्त मुझे महसूस हो रहे हैं. हालांकि आप देख सकते हैं कि काफी उलझे हुए हैं मेरे बाल, पर अगर आप मेरे चैनल के पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको ये चीज जरूर पता होगी कि मैं जिस दिन बाल धोती हूँ उस दिन मैं अपने बालों में कोम नहीं डालती हूँ, उसके नेक्स्ट डे डालती हूँ. तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मैंने आपसे शेयर की थी. अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं. सो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है और ये मैजिकल ऑयल जो है किस तरह काम करता है. पहले तो आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी इसको यूज कर लिया, पर कल क्योंकि बहुत ज्यादा बन गया था तो इसलिए ये बच गया है. बट ये अब मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि हर बार जितनी बार आप ये ऑयल प्रिपेयर करेंगे, मतलब जितनी बार आपको अप्लाई करना है, आपको नया ही इसको बनाना पड़ेगा. रीजन, इसका पहला इंग्रेडिएंट वो है अनियन. नाउ अनियन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट इटसेल्फ. तो उसको यूज करने से पहले मैं रिकमेंड करूंगी कि आप पहले एक पैच टेस्ट कर लें कि आपको वो सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है. मोस्ट केसेस में सूट करता है, क्योंकि मेरी खुद की बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्कैल्प है और मेरी सिस्टर की तो उससे भी ज्यादा सेंसिटिव स्कैल्प है. तो उसे ये सूट किया तो आई गेस सबको करेगा. सो बट स्टिल यू कैन यू नो गिव अ पैच टेस्ट टू इट. पैच टेस्ट करने के बाद अगर ये आपको सूट कर रहा है तो प्लीज 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 इसके अलावा आई डोंट थिंक इससे मतलब इसके अलावा कोई और इतना अच्छा इंग्रेडिएंट ही नहीं है जो आपके हेयर फॉल को रोक सके. एंड एक और पॉइंट इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि आपके बालों को ये रीग्रो भी करेगा. सो इट्स दैट गुड. अनियन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें बहुत सारा सल्फर कंटेंट होता है. एंड सल्फर हमारे बालों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बिकॉज इट्स अ कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन एंड स्पेशली केराटिन. तो जो लोग भी सोच रहे हैं कि हम केराटिन ट्रीटमेंट करा लेते हैं बाल टूटना कम हो जाएंगे, उसको छोड़िए. आपके घर में बहुत अच्छा ऑलरेडी एक सोल्यूशन आपके पास पड़ा है, तो प्लीज उसको इग्नोर करके आप ये ऑयल अप्लाई करिए. आपका हेयर फॉल भी रुकेगा एंड बाल भी रीग्रो होंगे. नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज अ ऑयल जिसमें आप अनियन जूस मिक्स करेंगे और अपनी स्कैल्प पे और लेंथ पे अप्लाई करेंगे. जैसे कि मैंने बताया, अनियन जूस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट है तो आप डायरेक्टली उसे अप्लाई नहीं कर सकते, तो एक ऑयल में मिक्स करके करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके बालों के लिए.
मैं रेकमेंड करती हूँ कैस्टर ऑयल, क्योंकि वो आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो जहां अनियन जूस आपके हेयर फॉल को रोकेगा, वहीं कैस्टर ऑयल आपके बालों को रीग्रो करने में काफी हद तक हेल्प करेगा। तो ये जो ब्लेंड है ये बहुत ही एक्सेप्शनली गुड, बहुत अच्छा है। सो आप ये ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको किसी रीजन से कैस्टर ऑयल नहीं मिलता है, देन यू कैन गो फॉर कोकोनट ऑयल, बट आई रिकमेंड कैस्टर ऑयल। नाउ ये ऑयल प्रिपेयर कैसे होगा? आपको अनियन लेना है, उसे ग्रेट करना है। ग्रेटेड अनियन को जब आप हाथों से स्क्वीज करेंगे तो आपके पास अनियन जूस आएगा। अनियन जूस की जितनी क्वांटिटी है उतनी ही क्वांटिटी इसमें ऑयल की जाएगी। जो भी ऑयल आप ले रहे हैं, कैस्टर ऑयल या कोकोनट ऑयल, उतनी क्वांटिटी जाएगी। दोनों को अच्छे से मिक्स करना है, आपकी स्कैल्प और लेंथ पे आपको उसको अच्छे से अप्लाई करना है। इतना ही ऑयल बनाइए कि आपके स्कैल्प और लेंथ पे अच्छे से लग जाए। और उसके बाद में 45 मिनट्स मिनिमम टाइम है, मैक्सिमम टाइम है 1.5 घंटा। इससे ज्यादा मत रखिए, क्योंकि फिर जो अनियन की स्मेल है वो बहुत ज्यादा आपकी स्कैल्प में, अगर आप बहुत ज्यादा देर उसको रखते हैं तो वो बहुत ज्यादा आने लग जाती है, एंड दैट इज नॉट गुड। तो 1.5 घंटे बाद मैक्सिमम आप इसको रख के और वॉश कर सकते हैं। वॉश कैसे करना है? नॉर्मल शैम्पू जो आप यूज करते हैं वही आपकी इसकी स्मेल को पूरा निकाल देगा। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आप जो बाल धो रहे हैं तो अच्छे से आप अपने बालों को धोए, कम से कम 2 बार जब आप शैम्पू अप्लाई करेंगे तब इसकी स्मेल निकलेगी। सो डोंट वरी अबाउट द स्मेल, वो अच्छे से निकल जाएगी। एंड इसके रिजल्ट्स, 3 ऐसी चीजें जो आप इस हेयर ऑयल का मास्क को यूज करके नोटिस करेंगे। पहला, जब हम बाल धोते हैं उस वक्त जो हमें हेयर फॉल होता है वो आपको 50% तक कम महसूस होगा। आई कैन गारंटी दिस, ये मेरी गारंटी है कि वो आपको पक्का से ये चीज तो आपको देखने को मिलेगी। दूसरा, जब आप इससे बाल धोते हैं और उसके बाद भी जब आपके बाल थोड़े सूखने लगते हैं, तब आप अपने बालों में एक सॉफ्ट, यू नो, आपके बाल इतने सॉफ्ट हो जाएंगे, वो सॉफ्टनेस आप खुद महसूस कर सकते हैं। इतना यू नो उसका, इतने अच्छे इसके रिजल्ट आते हैं। मेरे बाल मैनेज भी नहीं हो रहे मुझसे, इतने इस वक्त सॉफ्ट हो चुके हैं। तीसरी चीज, अब ये जो है आप पहले वॉश में नोटिस नहीं करेंगे, आपको इसके लिए एटलीस्ट 3 से 4 हफ्ते चाहिए। आपको आपके बालों की फोटो क्लिक करनी है जब आप इसको फर्स्ट टाइम यूज करने वाले हैं उससे जस्ट पहले, और उसके बाद आप अपनी एक पिक्चर क्लिक करेंगे आफ्टर 4 वीक्स, यानी कि ऑलमोस्ट 1 महीना। आपके बालों की जो लेंथ है उसमें आप बहुत हद तक फर्क महसूस कर सकते हैं। अगर वो फर्क इतना भी होगा तो मैं तो ये कहती हूँ कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो लेंथ भी अचीव करने के लिए हमें बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ये चीज आप नोटिस कर सकते हैं कि मैंने इसमें बताया कैस्टर ऑयल है, तो वो आपके बाल पे बहुत अच्छा वर्क करेगा। एंड बिफोर आफ्टर गाइज, यू हैव टू शेयर विद मी, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी रिसीविंग ऑल दोस फोटोज। सो आपको मेरा इंस्टाग्राम लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, प्लीज मुझे वो फोटो सेंड करना, आई विल बी वेरी हैप्पी। सो आई होप गाइज दैट यू लाइक द वीडियो। इस वीडियो को जितना हो सके प्लीज शेयर करिए, हेयर फॉल इज अ बिग 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 टाइम इशू एंड ये सबको होता है। सो प्लीज 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 इसको शेयर करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, कॉमेंट करके अपने रिजल्ट मेरे साथ प्लीज शेयर करना। मैं सारे कॉमेंट्स पढ़ने वाली हूँ कि सबको कैसे रिजल्ट मिले हैं, सो प्लीज कॉमेंट करके बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, कीप ग्लोइंग, बाय बाय।